도로 다 왜? 왜? बकरा छोड़ दिया मुझे, बकरा क्यों छोड़ दिया? ये मार रहा है, देखा आपने? तो अस्सलाम वालेकुम, इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत होंगे। तो भाई संडे है और मॉर्निंग हमारी हो गई है तकरीबन 5 बजे। आज सो के उठ रहे हैं और सोए भी हम सुबह तकरीबन 9 बजे सोए थे। और सुबह का आपको पता है कि क्या हुआ था, चोर पकड़ा गली के अंदर, कैसे पकड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो कल हम गए थे फार्म पे रात में, आज हम कोशिश कर रहे हैं दिन में जाने की। टाइम 5 हो रहा है तो बस अभी निकलते हैं। उन्हें आया हुआ है और दोस्त अंदर बैठे हुए हैं, शर्जील वो बैठ नहीं है। तो अभी हम चलते हैं सीधा फार्म पर और वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। क्या सीन है, क्या नहीं है, क्या हिसाब किताब है, वो सब देखेंगे फार्म पर जाके। तो आओ चलें। मोमेंट्स लेटर। तो भाई जैसा कि आपको बताया था, हम फार्म जा रहे हैं, हम पहुंच गए फार्म। हुनेस, इकराम और फाइज हमारे साथ हैं, गेट लोगे तो हुनेस जो है वो आवाज़ें ला के गेट खुलवा रहे हैं कि भाई गेट खोलो। और कल हम रात में आए थे, वो ब्लॉग भी एडिट होके लगा हुआ है, वो इंशाल्लाह हम एक दो दिन में डालेंगे। वो ब्लॉग भी मैंने एडिट करके डाल दिया है। अभी गेट खुलता है फिर अंदर जाते हैं और अभी प्रॉपर एक जो है वीडियो शूट करेंगे कि भाई कौन कौन से घोड़े हैं और क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। शर्जील और उबैद नहीं, उनको भी काफ़ी मिस करें क्योंकि वो लोग होते हैं तो और मज़ा आता है, लेकिन इनके साथ भी मज़ा आएगा, जाहिर सी बात है, ये भी दोस्त हैं। तो अभी चलते हैं। मुदस्सिर के फार्म है और इसका नाम है मज़ायात अल अरबेन। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बनाया हुआ, मेंटेन किया हुआ, सारी बातें मेंटेन की, शौक है तो उसको मेंटेन भी किया हुआ। तो अभी चलते हैं अंदर, गेट खुल गया तो आपसे मिलते हैं अंदर जाके। गए हैं फार्म पे, ये देखें माशाल्लाह से घोड़े ही घोड़े, ये एक भाग रहा है। देखें ये इसको जो है घुमा रहे हैं यहाँ पर, देखें वो खड़ा हो गया उधर, ये खड़ा है। ये भी घोड़े वगैरह हैं, ठीक है, ये भी हैं और इनके नाम भी माशाल्लाह से लिख के लगा दिए हैं। लकी गेस्ट हो गया, ये बने हुए इधर माशाल्लाह, काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। ये उनेश भाई बता रहे हैं ये कौन से घोड़े हैं, क्या है। वो भी घोड़ा है ना, ये घोड़ी है इस एक वाली, वो जो बाहर निकली है ब्राउन घोड़ा है। कल जो हमने कवर किया था वो रात में कवर किया था, रात में आए थे। अभी हम थोड़ा किया, पता अभी भी अंधेरा होने वाला है। 5:45 मतलब 5:45 मिनट्स हो रहे हैं
और अभी मुदस्सिर ने जो है और मेंटेन करवाया माशाल्लाह से इसके अंदर। मतलब रात को जो मैंने आपको बताया था पौधे वौधे लग रहे थे, वो काम अभी सारा प्रॉपर कंप्लीट हो गया। पौधे वगैरह और लगवाए, पहले भी लगे हुए थे। बाकी जो है घोड़े खाना वगैरह खा रहे हैं, उनको खाना वगैरह दिया हुआ। एक घोड़ा खुला हुआ है, वो थोड़ा सा अपना चहल पहल कर रहा है। तो भाई ये वही चूजों के बच्चे वगैरह हैं इधर, वो जो रात में दिखाए थे मैंने, फुल जो है ये खोल दिए उनेज ने। सबके अलग अलग बच्चे, ग्राम आया हुआ, उनेज आया हुआ और फाइज आया हुआ। बता रहा हूँ उनेज के कौन सा बच्चा किसका है। देखिए वो बच्चे मुर्गी जैसे ही निकले, बिल्कुल मुर्गी के कलर के। अजान हो रही है, आपसे मिलते हैं अजान के बाद। अजान का एहतराम करते हैं, मिलते हैं अजान के बाद। ऐसे ही अंधेरा हुआ, ये पैक हो गया है, ये भी पैक हो गया, और सामने जो है वो परिंदे वगैरह या फिर मुर्गियाँ मुर्गे वगैरह हैं। उसकी बैक साइड पे जैसा मैंने आपको बताया कि वो घोड़े वगैरह और ये चीज़ें, तो ये हिसाब किताब माशाल्लाह से बेहतरीन रखा हुआ है फार्म और अच्छा मेंटेन किया हुआ। रात को हम लोग जब आए थे ना, यहाँ पौधे लग रहे थे, ऐसा बिखरा हुआ था, अभी आए बिल्कुल साफ़ सुथरा, लग ही नहीं रहा रात को काम हुआ है। तो मौसम के हिसाब से जो है वो लगवाए। और देखें आप चूज़े अपनी, थोड़ा वॉक करने के लिए निकाला, हाँ इनको बाहर निकाला ताकि मम्मी के साथ आउटिंग करने आए हैं बाहर, पिंजरे से बाजार आए, एक तरह से शहर आए। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो हो रहा है। शॉपिंग करने आए, देखने आए कोई खजाना वजाना मिल जाए। अम्मा आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे, बट बहुत अफसोस है इनको कुछ नहीं मिला। हाँ अब ये जो है इनको, वैसे कल सब्जियाँ वब्जियाँ लाए थे इनके लिए, खिलाने मिलाने के लिए इनको। अच्छा उसका बच्चा उसके साथ घूम रहा है पीछे वाली के साथ, देखिए कैसे ये घूम रहे हैं। मच्छर भी बेताश है, दिख रहे हैं आपको ये मच्छर हैं भाई, ये रहे इतने सारे, ये हैं अंदरूनी सिंध के मच्छर। हाँ देखिए आप इनको, खजाना खजाना मिल गया भाई उनको। देखिए आप माशाल्लाह से, अब यहाँ होने लगी हल्की की ठंड, तो हसन भाई लिहाजा कुछ नहीं लेके आया इनसे, अब हम पूछेंगे शाम रात को जाते हुए। कराम भाई बोल रहे हैं अंधेरा होने वाला है और सर्दी होने वाली है, और हसन भाई पहन कर आए हैं हाफ स्लीव, ऐसा ही है जी बिल्कुल। ये कुछ भी नहीं है, हम फैसलाबाद गए थे, अचानक हो गई सर्दी भाई, दिन में कुछ नहीं रात में सर्दी ऐसी खतरनाक। फैसलाबाद ये है कराची, हाफ स्लीव पहनी हुई थी वहाँ पर भी, जैकेट भी नहीं लेके गया, और बहुत मसले मसाइल हुए। चलो आपको देखते हैं थोड़ी देर बाद, कोई मसला, कुछ घंटों बाद आपसे। हमने पंजाब की सर्दियाँ और पंजाब की गर्मियाँ दोनों बर्दाश्त की हुई है भाई। अच्छा तो हम ये भी बर्दाश्त कर लेंगे उम्मीद है भाई। हमें तो पहले ही उनेश भाई ने बोल दिया था कि थोड़ी तैयारी करके, इसलिए हम हुडी वगैरह पहन कर आए हैं, ये फुल 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 रेडी शेडी होकर आए, अपर शपर ये वो। अच्छा बाद में बीमार पड़ने से अच्छा कि बंदा पहले एहतियात कर ले, बाद में किसने कोई लेने भी नहीं आएगा, बोले खुद जाओ डॉक्टर के पास। ये इसकी बाद में दम है वैसे, वो क्या कहते हैं 30 मार बनने से अच्छा है बंदा थोड़ी एहतियात कर ले, ये बात भी सही है। लेकिन अब गाड़ी में आए, गाड़ी में है अभी देखते हैं फिर आपकी गाड़ी कब तक चलती है, और माशाल्लाह आपकी बिल्डिंग। अरे कहना क्या चाहते हो, बिल्डिंग बॉडी खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना, हो जाता है बंदा। तो भाई फर्स्ट टाइम कैमरे के आगे है तो थोड़ा बहुत तो होगा ना। होता है बिल्कुल होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, अभी भी होता है हमारे साथ, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इस पे मीम्स लगेंगी मुझे पता है। तो बस जो है अभी जो है देखते हैं उन्हें अंदर, बकरे के बच्चों को देख रहा है जो मेरे ख्याल में 5-6 बच्चे हैं। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि वो छोटे हैं, नज़र वज़र लग जाती है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, सारे वाइट हैं गुलाबी माशाल्लाह से। तो वो जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर उनका व्लॉग भी बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कितना खूबसूरत है। बाकी हमें जाके भूल ही गए, हाँ ये वापस आने अंदर, ये लोग वहाँ अंदर गए हैं, उन्हें स्पाइस ये वो सब। अब वो जो है बकरे वकरे देख रहे हैं, जो छोटे बकरे मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी हमने वीडियो नहीं बनाई, सब काफी अच्छा सेटअप किया हुआ। दो क्यूट गधे भी हैं, हाँ दो ब्यूटीफुल गधे, कलरफुल डोंकी डोंकी। लेकिन इनको देखो कितने एहतियात से रखा हुआ, फुल अंदर मच्छरों का ध्यान रख रहे हैं, वो लगाया हुआ धुनी। इसे कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता। हाँ ऐसा ही है, शौक हो तो गधे भी पाल लिए जाते हैं भाई। यस यस, शौक हो तो गधे भी पाल लिए जाते हैं, अगर शौक ना हो तो फिर ऊंट रख लो गायें रख लो वो भी नहीं पलते भाई, सीधी बात है। तो बस अभी ये लोग आते हैं बाहर तो फिर आग वाग जलवाते हैं यहाँ भी, ताकि मच्छर हमला ना करें, कल बहुत काटा था, आज पहले ही एहतियात कर लेते हैं, जलवाते हैं आग।
हाँ ये एक चारपाई, दो चारपाई, तीन चार, हम चार बंदे हैं और चार चारपाई है, उनेश की, फाइज की, मेरी और इकराम की, देख लिया आपने। और फिर घर वाले भी बाहर निकाल देंगे, बोलेंगे बेटा ये पकड़ो, चलो दूसरा घर तो मिल ही गया, ये पकड़ो अपना सामान और पहुंचो सीधा गड़ाप गड़ाप, तुम्हारी जो है ना वो दूसरा घर वही है। अब वो ये दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। हाँ ये बंद हो चुका है, क्योंकि हम कल रात को भी यहाँ से तकरीबन 11 बजे गए थे। फिर हमारी जिंदगी गधे घोड़ों के बीच में चली गई। कोई मसला नहीं है, हम भी पाल लेंगे फिर कुछ गधे घोड़े। ये तो बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। किट ये है और एक किट उस तरफ है, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है फार्म। और मेन चीज़ वही दोबारा आपको कह रहा हूँ कि मेंटेन किया हुआ है, शौक है ना तो शौक को जो है वो मेंटेन किया हुआ है। कुछ लोगों का कोई गंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, आप आए तो आपको मज़ा आएगा। वरना कुछ कुछ लोगों का शौक ये होता है कि भाई खरीद लिया, रख लिया, एक दो महीना मेंटेन किया, उसके बाद फिर यार वो समझता नहीं है। गाय का गोबर जो बाद में इसी इन्हीं इनकी घास के लिए रेडी किया जाएगा, खाद वगैरह। हाँ ये तो है, ये दूसरी चीज़ों को भी ये इकराम भाई को बहुत पता है, क्योंकि इकराम भाई जाते रहते हैं ना, गांव जाते रहते हैं अपने, तो इनको आइडिया है। हम भी जाते हैं लेकिन हमें इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारा गांव में जाना नहीं होता। तो भाई ये सीन है, गाय का गोबर है, इससे पंजाब में तो इससे रोटियों को चूल्हों में नीचे डालते हैं ना, बिल्कुल, जहाँ गैस है वहाँ भी यही, वहाँ पर भी यही चलती है। इसको इन्होंने तो ऐसी फेंका है, वो एक वो जो है इसको वो बनाते हैं अपने, अल्लाह वाला करे, गोल बना के धूप में रखते हैं, वो सूखने के बाद फिर ये गैस टाइप का जो है वो जलाती है। सही है, अच्छा है माशाल्लाह। लड़के आ चुके हैं, मुझे लग रहा है मुदस्सिर के दोस्त होंगे, मुदस्सिर के दोस्त, मुदस्सिर अभी तक नजर नहीं आया। हाँ मुदस्सिर अभी तक नहीं आया, तो मुदस्सिर के दोस्त आ गए हैं, जैसे कि उन्हें इसके दोस्त हमें, हम लोग आए हुए तो संडे है तो भाई आउटिंग करने आए हुए हैं, ऐसा ही है संडे है, तो हमने बोला चलो चलते हैं थोड़ा दूर, गया सीवेज चले जाओ, दो दरिया चले जाओ, अब लिहाजा हम फार्म पे आने लगे। वो टाइम गया, वाकई में वो टाइम गया, अभी कोई दूर ऐसा नहीं है, बंदा बाहर जाए बस वहाँ जाए जहाँ पर उसके दोस्त वोस्त हों और दोस्त भी सही हो, जहाँ आपको सेफ्टी मिले। आजकल कराची में हालात ऐसे ही है, चीरम चुकारी बहुत, तो एहतियात बेहतर है। ये देखें, ये हैं हमारे उनेश भाई के बकरे और दुम्बा। हाँ माशाल्लाह बकरा चेक करें, उनेश लोग वहाँ खड़े हैं, ये बकरा देखें, ये दुम्बा है, मारना नहीं भाई, नहीं नहीं वो नहीं है इसका, हाँ हमारे पास नहीं है। ए, क्या हुआ, क्या हो गया, करीब से जरा, इससे तो मुझे डर लगता है। नहीं नहीं भाई, इससे तो डर लगता है मुझे, नहीं कुछ नहीं कह रहा। नहीं नहीं भाई, पता थोड़ी है, खतरनाक सींगे हैं ऐसे, तो मैं अभी कहाँ जाऊँ फिर। तुम बोलो ये भी मारेगा वो भी मारता है, मुझे लग रहा है। अबे वो बोले तो मारता है दुम्बा, तो इसको देखे ना इसका काम, देख रहा हूँ क्या चाहिए, कितने दांत हैं, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ अपने आप, फुल मस्त हुआ है, पापा देख, गुड गुड, दिखा रहा है, देखा दिखा रहा दांत। ये बकरा खोल दिया भाई बाहर, और ये घूम रहा है और ये मारता है, तो उससे दूर हो जाओ। देखो आप माशाल्लाह से इसको बाहर निकलवाया है, और चीज़ देखिए आप माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद थोड़े भाई ने बकरा बाहर निकाला है, ये तो खूबसूरती है, ये जब गुस्सा करेगा ना तब आप देखना सारे बाल इसके यूँ सीधे होंगे खड़े, इसको नोट करना। हाँ गुस्सा क्यों कर रहा भाई, काफ़ी देरी के बाद खोला है मेरे ख्याल में इसको बाहर, है ना, असल में घी चल रहा है ना तो मैं खोल नहीं रहा हूँ। बाहर निकाल दिया भाई इसको, ऐसी हो गई ना अभी झालर, जब से हमने उसको घी चालू किया, रुक अभी तू ये देख इसका पट्टा खोल ला, जी नमाज पट्टा खोल दे। नहीं नहीं वो भाई दो भी कान पकड़ लेंगे, दोनों कान पकड़ लेना, इसकी तरह छोड़िए ना, करिए घोड़े की तरह, बस 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 बादल, बस बस क्या नाम है इसका, बादल, छोड़ देना वो, छोड़ आप छोड़ो पहले, हां छोड़ दे इधर, बोले छोड़ दे अभी
मजा आएगा ना भिड़ो। बकरा छोड़ दिया मुझे, बकरा मैंने छोड़ दिया, ये मार रहा है। देखा आपने, ये मारता भी है पता है, पकड़ लिया। आप इसका झालर के दे, ये देखो इसका फेस नीचे कर, फेस नीचे कर, ऐसी झालर है बकरे का, माशाल्लाह। ये बंदा हुआ है ना, ये देखो, ये है, यही है पूरा। फेस नीचे कर इसका, यही झालर था उसका, ये देखिए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। इकराम मजा आया, अभी इसके रिंकल्स और आएंगे, जैसे-जैसे इसके दांत और निकलेंगे ना, फेस पे रिंकल आएंगे। अभी इसका घी में वनडे में भी दे रहा हूँ और अलग से भी दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये मेरे को इस, ये साल मेरे को अपने घर पे लेके जाना, इसके लिए मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ। काटने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बिल्डिंग का भाई, बच्चों का फैन, बच्चे इसके फैन है सारे मेरी बिल्डिंग के। अच्छा, वो बोलते हैं भाई उमेश भैया बकरा लाओ हर साल हमारे बिल्डिंग में, इसको सारे बच्चे खेलते हैं इसके साथ, ये सारे जानवरों के आगे आगे चलता है मेरे घर पर, हमारी बिल्डिंग के सारे जानवरों में सबसे आगे यही चलेगा। अभी उड़ा देता किसी ना किसी को ये। फिर हम चले तो अभी के बाद ठंडा हुआ हुआ भाई, अभी गर्म होता ना ये, इस तरह नहीं खड़ा होता, ये मंचूर वंचूर काबू नहीं करता, बोलते मामू खोलोगे हम नहीं बांधेंगे, वो हाथ ही नहीं लगाने देता भाई। उस दिन नहीं मेहमान आए थे, कैसा हुआ है वो आए चोरे होके, ये बकरा है। मैंने बोला बाहर नहीं निकलेगा, मैंने बोला तू ही निकलेगा, मैं हूँ ना, मैंने कहा मंचूर छोड़ भाई को निकालने दे, मंचूर ने बाहर निकाला, बकरा इधर खड़ा हुआ भाई, आए तो पकड़ने घुटने पे यूं मारा, तो भागा बकरा ऐसे मार रहा है, मंसूर ने पकड़ा, मंसूर की चीखें निकल गई, मंसूर ने ऐसे थीम पकड़े ना यूं, और बिल्लू नहीं रहा, बोला भाई इसको रस्सी लाओ बांधो उसको, काबू नहीं आती अपनी साथ बछड़े जैसी जान। अच्छा, इधर के बाल अलग है, अलग हाँ, यहाँ पे नरम बाल है, ऊपर कड़क बहुत कड़क बाल है। ये दोबारा खोल लें, अभी इसको पट्टा लगा रहे ताकि जो ही अगर भागे भी तो पकड़ में आ जाए। असल में ना हर किसी को देखो ये बकरे का नहीं पता होता, कभी भी हम इसका कान पकड़ेंगे ऐसे बकरे का उससे मारना है, ऐसे बकरे को कभी भी काबू करना है ना, ये चीज है, इसको यहाँ से पकड़ोगे ना ये मजा ले कुछ कर ले, क्यों ये चीज हाँ काबू हो जाएगा फिर कुछ भी नहीं। हाँ ये तो है, नहीं जा रहा अंदर, ये गया अंदर, गया अंदर, गया इसको जो है बांधने डोरे लगवा दिए इसने, सबके सब भागते पड़ रहे थे इससे, बहुत खतरनाक बकरा है भाई ये तो, अभी हाथ में आ गया, नहीं तो आता नहीं है हाथ में, अभी हाथ में आ गया वरना आता नहीं है, ऐसा ही है। तो भाई ये जो है रात का व्यू है, लाइटें वगैरह ऑन का वही है, वहाँ से कोई घोड़ा भी शायद निकलेगा, अगर निकला तो उस पर राइड करेंगे, अगर नहीं निकला तो कोई मसले की बात नहीं है, बाकी लाइटें वगैरह ऑन करवा दी है। और ये हिसाब किताब है, अभी हम गार्डन में बैठे हैं और घोड़े वगैरह जो हैं वो यहाँ पर ऐसे राउंड राउंड घूमते हैं, इन्हें मंगवा ली है फार्म पर, और कोल्ड ड्रिंक है, बिरयानी है, समोसे हैं, ये चीज़ें प्लेटें आ रही हैं, बस खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। उन्हें कुछ दिखा रहा है घोड़े वगैरह की तस्वीरें वगैरह दिखा रहा है, तो बस खाना वगैरह खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। यार चार्जर मुझे दे दे यार, ढूंढ के चार्जर लेकर आ रहा, मोबाइल चार्ज नहीं, मोबाइल चार्ज पर आते हैं और खाना खा के आपसे मिलते हैं फिर। One hour later. कितने छोटे छोटे भी हैं भाई ये मेंढक की पूरी पूरी फौज,
ये दे खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। फार्म से आ गए थे, फटाफट जल्दी में आए क्योंकि जैनब जो है वो रहती नहीं है मेरे बिना, तो रोने लग गई। अभी जो है इसको मैं पार्क लाया हूँ, जैनब को मैं पार्क है। क्या हुआ बेटा, खत्म हो गया? इधर देखो पापा को, इधर तो देखें किसमें बैठना है। तो जैनब को पार्क लाया हूँ, अभी जो है चूल्हे वगैरह जला रहा हूँ ताकि जो है रोए नहीं, काफ़ी रो रही थी। अच्छा मैं उठा रहा हूँ बेटा। तो भाई हम पार्क हैं, जैनब पीछे बैठी हुई है, चूल्हे इंजॉय कर रही है। जी बेटा पीपी नहीं बच रही इसमें। अच्छा डॉनमेंट मॉल गई थी ना, वहाँ पीपी बचती थी, तो इसमें पीपी नहीं बच रही, तो बता रही है कि बाबा पीपी पीपी। तो भाई ये सीन है, जैनब उदास हो जाती है, रोने लग गई थी। तो अभी मैं आया हूँ फ़ौरन जो है लेके आया हूँ, गाड़ी सामने खड़ी हुई है, तो गाड़ी के अंदर लेकर आया हूँ जैनब और मैं आए सर। जैनब जैनब इसके बाद हम घर चलेंगे ठीक है, ईज भी तो पड़ी हुई गाड़ी के अंदर, बोल दो ठीक है ठीक है। तो भाई ये सीन है, आपसे मिलते हैं अब घर जाके। हमसे आने के बाद जैनब को राउंड वगैरह दिलाया, झूले वूले झुलाए, जंपिंग की इज्जत करके, लेकिन जंपिंग पे जैनब को नहीं लेके गए क्योंकि वहाँ रश था, बच्चे थे, बड़े बच्चे थे, खुदा ना खासा लग वग ना जाए, तो इसलिए जो है मैं जैनब को नहीं लेके गया जंपिंग पे। लेकिन जैनब बहुत जिद कर रही थी, बड़ी मुश्किल से वापसी घर लेकर आया। तो अभी जैनब सो गई है माशाल्लाह से, और खाना वगैरह मैंने खा लिया रात का, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इस व्लॉग को हम यहाँ एंड करते हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन कमेंट कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।